अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आज के अपने टॉपिक तेलंगाना हाई कोर्ट से अपने को एसएससी एग्ज़ाम्स की परमिशन मिल गई। तो एग्ज़ाम्स ऐसे जून की 8 से होंगे और ये सियासत की तरफ से अपडेट थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं, आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियो अच्छी दिखी तो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी करिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तेलंगाना क्या करी, परमिशन दे दी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। तो सियासत के उसमें अपडेट देखा मैं तो हैदराबाद तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे अनाउंस टू कंडक्ट पेंडिंग एग्ज़ाम्स फ्रॉम जून 8। तो जैसा कि मालूम है कि तेलंगाना के हाई कोर्ट वाले अनाउंस कर दिए कि जून 8 से आप एग्ज़ाम्स ले सकते हैं। तो ये लोग क्या करें, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बातचीत करें चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, डायरेक्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रिव्यू करें कोरोना वायरस के सिचुएशन को। और क्या बोले बोले तो मैं जून तक देखूंगा सिचुएशन कैसा रहेगा, फिर देन उसके बाद में मैं 4 जून को आप लोगों को रिपोर्ट सबमिट करूंगा। मतलब अपने को टाइम टेबल आए तक पूरा टाइम रहेगा। तो ये राघवेंद्र सर बोले, फिर देन उसके बाद में आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हो, द कोर्ट इन इट्स ऑर्डर फॉर द डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट टू कंडक्ट एसएससी एग्जाम्स फ्रॉम जून 8। मतलब वो लोग क्या करे, कोर्ट वाले गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दे दिए आप लोग एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट कर ले सकते हो बोल के। तो वो लोग जून 8 तक प्लान करें, और कोर्ट ये भी बोला कि ईच एग्जाम्स के बीच में 2 दिन का गैप रहना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स जो भी है उन लोगों को प्रिपरेशन के लिए अच्छा है, टेंशन लेने की बात नहीं है, 2 दिन में वो लोग अच्छा प्रिपेयर भी कर ले सकते हैं। फिर देन हाईकोर्ट क्या करा, कंसेंट करा ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को, स्टूडेंट्स को हेल्पलाइन जो भी ज़रूरत है उन लोगों को सपोर्ट करो। फिर देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं अर्ली तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट क्या करी थी, एक एफिडेविट फुलफिल करके दी थी हाईकोर्ट को। उसके अंदर क्या है, पेंडिंग ग्रांट परमिशंस के लिए रिगार्डिंग एसएससी एग्जाम्स के। तो वो लोग गवर्नमेंट वाले हाईकोर्ट को क्या क्या प्लान दिए थे, वो लोग सेंटर डबल कर देंगे बोले थे, फिर एंश्योर सैनिटाइजेशन करेंगे, फिर एंड फिजिकल सोशल डिस्टेंस रहेगा और ईच कैंडिडेट के बीच में। तो ये एक प्रीवियसली अपडेट थी, ये लेटेस्ट कुछ नहीं है, ऊपर की खास थी। फिर देन उसके बाद में एसएससी एग्ज़ाम्स क्या है, अब हाईकोर्ट क्या करा, गवर्नमेंट को दे दिया। फिर देन उसके बाद में क्या करा, उसके बाद में द प्रोसेस क्या है, पब्लिक लीक इंटरेस्ट के ऊपर वो लोग पब्लिक की इंटरेस्ट देखते हुए वो लोग परमिशन दे दिए एग्ज़ाम्स के लिए। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द और बेहतरीन तैयारी करना है, क्यों बोले तो एग्ज़ाम्स करीब है। तो ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह, चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।